कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक सवाल होगा कि भाई इसे हम चार्ज करेंगे तो हमारा क्या कुछ पैसा लगेगा, क्या कुछ मेरा यूनिट टूटेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों से। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये टोटल ही पॉकेट मनी, पॉकेट सेविंग के लिए है। ठीक है, हाँ। जिसको अपना पॉकेट बचाना है, हाँ। उसको इलेक्ट्रिक यूज करना चाहिए। जी जी। अगर बात करें पेट्रोल की, तो आज के डेट में आई थिंक बिहार में 100 रुपए प्लस है, 110 जाने वाला है। 110 रुपए, मैं 100 रुपए का ही कैलकुलेशन चलते हो, तो आईसी इंजन में मैक्सिमम 50 से 55 की एवरेज आती है पर लीटर। अगर आप 100 रुपए के पेट्रोल से 50 से 55 किलोमीटर चलते हैं, तो हमारी गाड़ी से वही दूरी, बल्कि मैं उससे कहूंगा 50% प्लस, मतलब जस्ट उसका डबल 8 से 10 रुपए के खर्चे में। क्या बात है सर, 8 से 10 रुपए। जी जी, अगर मैं कॉमर्शियल यूनिट की भी बात करूं, तो 1 से 1.5 यूनिट का खर्चा आता है। अच्छा, एक फुल चार्ज में, हाँ। जो कि हमको लगता है 8 से 10 रुपए का होगा। तो मतलब अगर एक बार फुल चार्ज किया, हाँ। तो 80 से लेके 140 किलोमीटर तक का सफर आपका रेडी हो जाता है। तो चलिए, आप 10 रुपए लगाइए और 10 रुपए लगा के पूरे दिन आप घूमिए, मतलब की 80 किलोमीटर आप इस गाड़ी से घूम सकते हैं। बस 10 रुपए के चार्ज आपका लगेगा और 10 रुपए आप लगाएंगे तो आप 80 किलोमीटर घूमेंगे। तो चलिए, नमस्कार, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वापस से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अभी मैं फिलहाल बेतिया में मौजूद हूँ और आप बेतिया के आसपास से हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई सस्ते दाम में इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक बाइक की खरीदारी करना, तो भाई आप पहुंच सकते हैं इस शोरूम में। क्योंकि भाई आज यहाँ पे हम फिलहाल इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि भाई यहाँ का जो रेट है, भाई आप सुनने के बाद से पूरा बिहार तो बिहार पूरा यूपी भी हिलने वाला है, मतलब काफी कम रेटों में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मिलने वाला है। और साथ साथ आप चाहते हैं फिनांस करा के लेना, तो भाई आपको वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी बहुत सारी कंपनी तो भाई भी इंडिया में चल रहे हैं, लेकिन इस कंपनी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इस कंपनी का जो फीचर है, उसको सुनने के बाद से आप काफी दंग हो जाएंगे। तो बाकी आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए, यहाँ के जो इस कंपनी के जो सेल्समैन है उनसे हम बात करते हैं और पूरी चीज हम जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरेंद्र पटेल, मैं पूरा आपका ईस्टर्न जोन देखता हूँ फ्रॉम हॉप इलेक्ट्रिक। बेसिकली आज हमारा ये आउटलेट, सेकंड आउटलेट है बेतिया में। अच्छा, जो MR इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइडर के नाम से जो है आपके बेतिया मेन सिटी में ओपन हुआ है। इसका जो मेन शोरूम है आपका सरिसवा बाजार, जो यहाँ से 14 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अच्छा, वो उनका एक खुद का एक आउटलेट है जो आज हम लोग यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, ताकि बेतिया के लोगों को इजी वे में इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक बाइक का और इलेक्ट्रिक स्कूटी का आनंद ले सके। सर, देखा गया है कि कहीं ना कहीं बात करें, आप बोल रहे कि बेतिया में मेरा ये दूसरा ब्रांच होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का, कस्टमरों का वो उम्मीद आपसे बना हुआ है, तभी तो भाई यार दूसरा ब्रांच आप बेतिया में दिए हुए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक अच्छा रिस्पॉन्स के बाद ही जो यहाँ के हमारे प्रोप्राइटर कह लीजिए मिस्टर चंद्रमन जी है और नित्यानंद मिश्रा जी हैं, जिन लोगों ने अपनी फर्स्ट ब्रांच की उसकी जो है फर्स्ट ब्रांच के रिजल्ट को देखते हुए आज वो बेतिया के मेन शोरूम में, मेन टाउन में आके एक और अपना आउटलेट खोलने के लिए आज यहाँ पे सारे लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इसका एक रिस्पांस उन लोगों ने खुद फील किया है वहां पे, तो उसको और अच्छा रिस्पांस लेने के लिए आज बेतिया के टाउन में आके बैठे हैं। अच्छा सर, इंडिया में देखा गया है बहुत सारी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, ई रिक्शा भी बना रही है, कहीं ना कहीं सर बात करें तो आपके यहाँ और आपकी जो कंपनी के जो इलेक्ट्रिक बाइक है और इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है, उसको क्यों कस्टमर लोग खरीदारी करेंगे, क्योंकि भाई इंडिया में तो बहुत सारा है। बेसिकली बिल्कुल करना चाहेंगे, अगर आप मार्केट का फीडबैक देखेंगे तो कंपनियां तो बहुत हैं, बट सर्विस कोई ढंग की प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा। हमारा पहला समझिए एक तरह से वही है कि हम अच्छे से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करें। अच्छा। सेल्स के बाद मेन जो होता है इलेक्ट्रिक में वो सर्विस ही होता है, और हम लोग काफी सर्विस पे ज्यादा फोकस करते हैं, टाइम टू टाइम उसकी वारंटी और जो भी स्पेयर वगैरह वो सारे डीलरशिप पे अवेलेबल होते हैं इजी वे में, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब कहीं ना कहीं बात करें तो भाई बाइक खरीद लेना सबसे बड़ी बात नहीं होता, उसका सर्विस टाइम से होना चाहिए। लेकिन तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे इनके जो इलेक्ट्रिक जो स्कूटर जो बाइक यहाँ पे खड़ी है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे बेखूबी, आप लोग वीडियो के साथ थोड़ा सा बन के रहिएगा। सर, एक चीज और आपसे मेरा सवाल रहेगा, बहुत सारी कंपनियों का बहुत सारा बाइक इस तरह का आता है, लेकिन सर बताते हैं कोई लोग कि हमारा बाइक एक चार्ज में 150 किलोमीटर जाएगा, कोई बोलते हैं 100 किलोमीटर जाएगा, और कोई बोलते हैं कि भाई 60 या 50 किलोमीटर जाता है, लेकिन आपकी जो कंपनी की जो बाइक है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो
बाइक है वो कितने एक चार्ज में कितने किलोमीटर जाएगा सर? सर एक फुल चार्ज में जो एक्चुअल इसकी माइलेज आएगी वो 140 किलोमीटर की ही आती है, वो भी इकोनॉमी मोड पे। अच्छा, अगर आप उसे टॉप स्पीड पे चलाएंगे तो 100-110 के नियर अबाउट वो आपको अचीव करके देगी, जिसका टॉप स्पीड 80-95 होगा। अगर बात करें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी के बिहाफ पे, आप यहाँ पे ऑलरेडी बेतिया में जो है 7-8 बाइक हमारी सेल हो चुकी है। इवन सिरिसमा बाजार में एक छोटा सा विलेज है, एक छोटा सा ब्लॉक है जहाँ से हमारा 7-8 पिछले 3-4 महीने में ये सेल हो चुका है। आप अगर नियर बाइक के हैं तो आप वहाँ से फीडबैक ले सकते हैं, उनका कस्टमर का नंबर प्रोवाइड कर देगा डीलरशिप, आप कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं, उससे अच्छा फीडबैक आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई और देगा। तो इसमें हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा ओपन है, हमारा कोई दूसरा ऐसा कहना नहीं है कि हमारी गाड़ी 250 किलोमीटर चलती है 200, नहीं ऐसा गलत, वो रियल है। आप कस्टमर से भी फीडबैक ले सकते हैं जो ऑलरेडी 3-4 महीने से इस मार्केट में रन कर रहे हैं। अच्छा सर एक चीज बताइए कि आप बता रहे हैं सर्विस के बारे में, तो आपकी जो कंपनी की जो गाड़ी है कितना किलोमीटर चलती है, तो आप फर्स्ट सर्विस देते हैं, सेकंड सर्विस, मतलब कितना सर्विस आप पहली तो मैं हमारी गाड़ियों में 3 सर्विस फ्री हैं, जैसे आप पेट्रोल आईसी इंजन में आपका 3 सर्विस फ्री होती है, ऐसे हम लोग यहाँ पे 3 सर्विस, बट टाइम टू है, पहला सर्विस आपका 500 है, दूसरा 1500 और तीसरा 3000 रुपए, इसके बाद पेड सर्विस स्टार्ट होता है। उसके बाद से पेड सर्विस स्टार्ट होता है जो वहाँ पे आपको पेड करना होगा डीलरशिप पे, बाकी 3 सर्विस कंपनी की तरफ से फ्री है, आप डीलरशिप पे ही आके अपना सर्विस करा सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। सर हमने एक चीज और देखा हुआ है और काफी कस्टमर लोगों से ये शिकायत भी सुनते हुए आ रहे हैं, काफी इस कंपनी के बारे में हम नहीं बता रहे कि जैसे कि लोग मार्केट से इलेक्ट्रिक जो बाइक है स्कूटर खरीदारी कर लेते हैं, जो जब उसे सर्विस कराने के लिए जाते हैं तो उसका स्पेयर पार्ट कुछ अलग ही लोग लगा देते हैं क्योंकि उनके पास होता नहीं है। मेन चीज बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बेसिकली क्या है आज के डेट में आपको भी पता है कि मोस्टली चीजें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके लोग ला रहे हैं सर्विस की कोई, हमारी अगर आप बात करें तो हमारी एक मॉडल है V3 जो गवर्नमेंट ने उसपे EMPS सब्सिडी दे रखी है। कितनी सब्सिडी दे रही है सर? उसमें 9,500 रुपए की सब्सिडी है, अगर मतलब कस्टमर सरकार भी सब्सिडी दे रही है सर। जी मैं आपको बताना चाहूंगा EMPS के बारे में, EMPS वो है, गवर्नमेंट ये कहती है कि जिसका प्रोडक्ट 85% मेक इन इंडिया है मैं उसी को लिस्ट में रखूंगा। और बड़े बड़े ब्रांड के साथ लाइक TVS एथर के साथ हमारा जो है EMPS सब्सिडी करेंट टाइम में गवर्नमेंट ने हमें दे रखी है, जिसका लाभ कस्टमर ले रहे हैं, आपके बिहार में ले रहे हैं, हमारे बिहार में आउटलेट काफी अच्छे हैं, जैसे आपका बक्सर में है, गया में है, पटना में भी हम अवेलेबल हैं, बेतिया में सेकेंड आउटलेट देख ही रहे हैं हमारा, पूर्णिया में भी है, कटिहार में भी है, बाकी लगभग बात करें तो बिहार के सभी कोने में, आप कोने में तो नहीं कहूंगा बट हाँ कि वहां अवेलेबल है, जहां बिहार का कोई भी बंदा अगर चाहे तो इजी वे में हमारी कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज कर सकता है। इवन हम वो भी सुविधा देते हैं कि अगर वो ऑनलाइन जाके हमारे पास कोई भी इंक्वायरी करते हैं तो हम उनको नियरेस्ट डीलर का प्रोवाइड कराते हैं, इवन हम लोग होम डिलीवरी भी कराते हैं, होम डिलीवरी भी करा देते हैं। तो मतलब साफ तौर पर सर ये चीजें कहना है कि जो सर्विस का जो स्पेयर पार्ट होगा वो कंपनी का ही लगेगा क्योंकि अलग नहीं लगने वाला है। बिल्कुल, अगर कंपनी का आप लेते हैं तो इस वारंटी और गारंटी की जिम्मेदारी कंपनी की है, अगर आप बाहर से लेते हैं तो हम वारंटी वाइड कर देते हैं, इसलिए कंप्लीट जो भी सर्विस है हम अपने शोरूम के माध्यम से ही एक ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के थ्रू ही कराते हैं। चलिए सर देखिए बिहार में जितने भी लोग कोई भी चीज की खरीदारी करने के लिए सर जाते हैं तो एक चीज और भी लोगों के अंदर सवाल होता है कि हम इस चीज की अगर खरीदारी कर रहे हैं तो हमें क्या वारंटी गारंटी मिलेगा, तो आपकी कंपनी की जो भी बाइक है जो भी स्कूटर है इसके कितने दिनों का वारंटी गारंटी है? देखिए सर बाइक की तो गारंटी अगर कंप्लीट बाइक की देखेंगे तो वो 1 ईयर होती है, बट बेसिकली जो इसका मेजर पार्ट होता है वो होता है मोटर और बैटरी जिसकी हम 3 साल वारंटी देते हैं। हम इस बाइक की खरीदारी करेंगे तो हम इसमें फीचर क्या क्या हमें मिलेगा, थोड़ा सा फीचर के बारे में समझाया जाए कि इसमें क्या क्या फीचर आपके और जो इलेक्ट्रिक बाइक है इसमें दिया गया है सर? जैसा कि फीचर हम आपको बता चुके हैं, हाँ, और मेनली अगर बात करें तो इसमें 3 मोड होता है सर। ये मोड का मतलब लोग सर कंफ्यूजन में पड़े होते हैं कि मोड होता क्या है एक्चुअली? देखिए ये होता है आपका इकोनॉमी मोड, इट मींस कि ये 25 किलोमीटर पर आवर का मैक्सिमम स्पीड होगा। जी जी। सेकंड में अगर आप आते हैं सेकंड मोड में तो 45 तक जाती है। अच्छा अच्छा। थर्ड में आप जाते हैं तो 75 प्लस जाती है। अच्छा सर, मोड का मतलब यही होता है। हाँ हाँ। अच्छा सर, जब इतनी स्पीड अगर हमारी ये बाइक चलेगी तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी तो कराना जरूरी पड़ेगा? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है सर। अवेलेबल है? yes. कंपनी करा के देगी? नहीं नहीं, डीलरशिप से, हमारा TC है, TR है, जैसे आप नॉर्मल पेट्रोल बाइक में रजिस्ट्रेशन कराते हो जी, वैसे इलेक्ट्रिक का हमारा रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक के नाम से आपको ये रजिस्टर्ड BR
आई थिंक यहाँ पे BR22 ही आपको मिलेगा सर, ना कि BR06 या BR05 मिलेगा, BR22 ही मिलेगा यहाँ का रजिस्ट्रेशन, वो भी आपका स्मार्ट नंबर प्लेट के साथ। सर अगर आप स्कूटर की बात करें तो स्कूटर में थोड़ा सा बता दीजिए। स्कूटर में देखिए ये हमारा लो वेरिएंट, इसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड होगी जो है वो 25। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है सर, लेकिन हेलमेट की जरूरत है सर। हेलमेट की जरूरत है। ये है आपका नॉन रजिस्टर्ड व्हीकल जिसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप हेलमेट लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन सब गाड़ियों पे सर कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा कस्टमर? ये डिपेंड करता है सर, बेसिकली डाउन पेमेंट डिपेंड करता है कस्टमर के सिविल पे। जी, अगर कस्टमर का सिविल है तो ऑलमोस्ट 30-35% डाउन पेमेंट देने के बाद ये गाड़ी हम स्कूटी, बाइक का तो हम 0% बता रहे हैं, बट स्कूटी पे हमारे 30-35% आप डाउन पेमेंट, करीबन वही 20-25 हजार रुपए का डाउन पेमेंट होगा, उतना करेंगे गाड़ी गाड़ी आराम से फाइनेंस हो जाएगी। चलिए 20-25 हजार रुपए के डाउन पेमेंट पे आप चाहे तो इस तरह की इलेक्ट्रिक स्कूटर की भी गाड़ी की आप खरीदारी कर सकते हैं। डाउन पेमेंट कीजिए, गाड़ी आपका रीफाइनेंस हो जाएगा, बाकी आप अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं। सर ये तीनों वेरिएंट सेम है? नहीं नहीं सर, ये दोनों वेरिएंट सेम है। हाँ। ये हमारा एक अलग वेरिएंट है, ये हाई स्पीड, क्या कुछ ये भी हाई स्पीड गाड़ी है सर, इसमें भी रजिस्ट्रेशन है, इसकी टॉप स्पीड 65 की है। अच्छा अच्छा जी, ये हमारा लियो का स्टैंडर्ड मॉडल है। हाँ। और ये हमारा लाइफ है, इसमें है हमारा 29H की बैटरी है जो कि एक चार्ज में 110 से 115 किलोमीटर का रेंज देती है। सर ये कंपनी का कहना है, मतलब इतना चल जाएगा? करेक्ट। इकोनॉमी मोड की बात करते हैं सर, इकोनॉमी मोड पे ये एक्चुअल आपको मैं बता रहा हूँ 110 से 115 किलोमीटर के, ये भी गाड़ियां मैक्सिमम 20 से 22 गाड़ियां बिकी हुई हैं। हाँ। आप कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं। बाकी सर इन सब का एक चार्ज में कितना किलोमीटर? 80-85 किलोमीटर। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई सर वेरियंट आपके पास है? अभी हमारा EMPS का एक वेरियंट आ रहा है जो V3 के नाम से, 12-inch व्हील के साथ ऑलरेडी है, आपके बक्सर में अवेलेबल, गया में अवेलेबल, पटना में अवेलेबल, अभी इस शोरूम पे आने वाले विद इन वीक यहाँ भी अवेलेबल हो रहा है, मतलब कुछ दिनों में यहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा जैसे कस्टमर का डिमांड आता है। हाँ, अगर सर जो लोग इस वीडियो के माध्यम से अगर वीडियो देख के यहाँ पे विजिट करते हैं सर, उनके लिए क्या डिस्काउंट रहेगा आपके यहाँ से? अभी नए शोरूम का मतलब सेकंड ब्रांच के उपलक्ष में यहाँ पे, जैसा कि मेरा यहाँ के ऑनर से बात हुआ है, 2,000 से लेके 5,000 तक का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा स्कूटी बाइक पे, मतलब सभी गाड़ियों पे? सभी गाड़ियों पे 2,000 से लेके 5,000 तक का डिस्काउंट, अप फ्रंट कैश डिस्काउंट। तो भाई अगर आप इस बार अगर यहां से गाड़ी की खरीदारी करते हैं तो आपको 2,000 से लेके 5,000 रुपए का सभी गाड़ियों पर डिस्काउंट होने वाला है, बाकी सिविल के हिसाब से भी फर्क पड़ेगा। तो इसको कहीं ना कहीं आप सभी डिफॉल्टर होकर ना आइएगा मेरे भाई, मैं आप सबसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ हर वीडियो में। बाकी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने अपना कीमती समय हमारे व्यूअर्स के लिए निकाले। बाकी अंत में जाते जाते जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सर, क्या बोलिएगा उन लोगों के लिए? बस यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हाँ। एक बार कम से कम एटलीस्ट यहाँ विजिट करके टेस्ट ड्राइव ले, समझे इलेक्ट्रिक है क्या, और अगर कोई यूज कर रहा है इलेक्ट्रिक तो एक बार जरूर हॉप इलेक्ट्रिक की भी गाड़ी टेस्ट ड्राइव लेके देखे, तो उसे फर्क पता चलेगा कि हमारी गाड़ी क्या है। तो बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए एक बार आप सभी, और इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।